नमस्कार रांची, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं सौरव नीलेश और आप सुनने जा रहे हैं करो योग रहो निरोग। करो योग रहो निरोग के इस सत्र में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैसे व्यक्तियों के लिए जो किचन में अपना समय बिताते हैं, चाहे वो होटल में खाना पकाने वाले शेफ हों, कुक हों, या घर में खाना बनाने वाली महिलाएं या पुरुष। तो अक्सर हमारे व्यस्त जीवन में उतना समय नहीं मिल पाता है कि हम अपने फिटनेस पे, अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे पाए। तो डे टू डे लाइफ में आप कैसे फिजिकली फिट रह सकते हैं, मेंटली फिट रह सकते हैं, उसी को बताने के लिए हमारा यह प्रोग्राम है। तो आज हम देखते हैं कि कौन से ऐसे योगाभ्यास हैं जो कि किचन में काम करने के दौरान आप कर सकते हैं। हालांकि किचन में काम करने के दौरान हमेशा ही सजग और चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चूल्हा जल रहा होता है, गर्म बर्तन होता है, तो ध्यान हमेशा ही रखें, ध्यान कभी किचन से भटकाएं नहीं। फिर भी कुछ ऐसे अभ्यास हम देखते हैं जो कि आप इस ध्यान को बरकरार रखते हुए भी कर सकते हैं, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी एक्स्ट्रा समय दिए हुए। तो किचन में काम करने के दौरान अक्सर होता है कि हम झुक के काम करते हैं, सब्जी काट रहे हो या मसाला भुन रहे हो, उसमें हम गर्दन झुकाते हैं, पीठ को झुका के काम करते हैं। इससे क्या होता है, हमें कमर दर्द की समस्या होती है, सर्वाइकल की समस्या होने लगती है। तो उन सभी समस्याओं से बचने के लिए हम कुछ ऐसे अभ्यास देख रहे हैं जो कि हमको मदद करेंगी, हमें चुस्त और तंदुरुस्त रखने में मदद करेंगी। तो कुछ ऐसे आसन हैं जो आप किचन में काम करने के दौरान इजिली कर सकते हैं, बिना ध्यान हटाए हुए या बिना खाना पकाने पर ध्यान हटाए हुए। तो वो आसन में सबसे पहला आसन होता है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खाने पर नज़र रखते हुए भी ताड़ासन को ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा आप त्रियक ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करते समय यह ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके अगल बगल कोई स्लैब ना हो या फिर बर्तन स्टैंड ना हो, नहीं तो उसमें आपका सर टकरा जाएगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप कटी चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। कटी चक्रासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में जो स्टिफनेस आई है वह कम हो जाएगी। इसके अलावा आप अर्धचक्रासन का अभ्यास करें। अर्धचक्रासन के अभ्यास में आप खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर लगाइएगा और सिर से पीछे की ओर झुकना शुरू करेंगे और कमर तक पीछे की ओर झुकते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए सीधे हो जाते हैं। अर्धचक्रासन का अभ्यास कमर दर्द में फायदे देगा, साथ ही साथ बैक मसल्स, पीठ में जितने मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा। तो सब्जी काटते समय, सब्जी बनाते समय जो आप झुक के काम करते हैं, उस झुक के काम करने को काउंटर करने के लिए अभ्यास है, ताकि उसका कोई बुरा इफेक्ट आपके शरीर पर ना पड़े। इसके अलावा आप शोल्डर रोटेशन का अभ्यास कर सकते हैं, स्कंद संचालन। इसके अलावा आप नेक रोटेशन का अभ्यास करें। नेक रोटेशन के अभ्यास से आपकी सर्वाइकल से रिलेटेड कोई भी समस्या ना होगी। महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि लंबे समय तक किचन में काम करने से या झुक के सब्जी काटने से या अक्सर चावल चुनने से या दाल चुनने से गर्दन में प्रॉब्लम आने लगती है, दर्द होने लगता है। तो उस समस्या को यह अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो होने नहीं देगा, अगर आपको है तो ये उसको ठीक करने में मदद करेगा। नेक रोटेशन का अभ्यास। प्राणायाम में आप शीतली का अभ्यास कर सकती हैं। शीतली के अभ्यास से, क्योंकि किचन में जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत गर्मी होती है, तो उस समय यदि आप थोड़ा सा शीतली शीतकारी का अभ्यास करें तो यकीनन आपको उस गर्मी से राहत मिलेगी। इसके अलावा आप उज्जयी का अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि उज्जयी का अभ्यास करने से पहले ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार का आप छौंक का इस्तेमाल ना कर रहे हों। अगर खाने में छौंक लगा रहे हों उस समय किसी भी प्रकार का कोई प्राणायाम नहीं करिएगा। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं किचन में खड़े खड़े। तो इन अभ्यासों को करने से आपकी चुस्ती फुर्ती भी बनी रहेगी, आपके किचन का काम भी होता रहेगा, स्वादिष्ट व्यंजन भी बनते रहेंगे और आपका शरीर भी चुस्त दुरुस्त होता रहेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि किस प्रकार आप किचन में खाना बनाते समय खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो, सौरव नीलेश के साथ।